जो भी हो बेटा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। आज आपकी आपकी शादी हो रही है और आप वहां जाकर झूठ बता रही थी। पापा, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम बहुत देर से देख रहे कि ये लोग आपको जानबूझकर परेशान करने में लगे हैं। हैरानी की बात तो ये है, पता नहीं गौतम जी को क्या हो गया है। गौतम जी वो इंसान लग ही नहीं रहे हैं जिनसे हमारी शादी तय हुई थी। आप शांत हो जाइए बेटा, हम लोग सब संभाल लेंगे। माँ, अगर हमें पता होता कि शादी में ये सब होता है तो हम शादी ही नहीं करते। ऐसा नहीं कहते बेटा, आप जानते हैं गौतम जी अच्छे इंसान हैं और हो सकता है उनको कोई गलत फहमी हो गई हो। देखिए बेटा, मैं एक बात बता दूं कि शादी एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है बेटा। ये सब थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, और हो सकता है बेटा अनजाने में उनको हमारी कोई बात बुरी लग गई हो और इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अरे यजमान, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, वरमाला की रस्म का समय हो रहा है, जल्दी चलिए नहीं तो मुहूर्त बीत जाएगा। जी पंडित जी। बहू, आप जयमाला थाली में लेके चले जाइए और अक्षत वगैरह भी सब कुछ ले आइए, और कुछ छोटे फूल हैं वो थाली में डालकर सुमन के हाथ में पकड़ा दीजिए। जी माँ जी। किसी भी तरह हमें गौतम जी से बात करनी ही होगी, चाहे जो भी हो, हम हमारे माँ पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए बेटा, जयमाला के लिए स्टेज पर चलते हैं, गौतम जी और बाकी सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। यही वक्त है जब हम गौतम जी से बात कर सकते हैं। चलिए बेटा, आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पूनम बेटी, पहले आप पहनाइए। आप लोग जयमाल के लिए खड़े हो जाएं। जयमाला
चलिए बेटा, वरमाला का सोमहूर्त निकला जा रहा है। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना वरमाला पहनाने देंगे भाभी। चलिए अब पहनाइए। बस मंजूर है सब। कोई तमाशा नहीं चल रहा है, यही यहां मचा रखी तुम लोगों ने। लफंगे कहीं के। अरे ये कौन है जो हमारे ऊपर इस तरह फूल फेंक रहा है? आप लोग थोड़ा पास आ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गौतम जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमारी और आपकी बात होनी बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों से अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज हमें बता दीजिए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग हमसे इतने नाराज क्यों लग रहे हैं। नाराज इसलिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से मेरे पेरेंट्स और मेरे रिश्तेदार की इंसल्ट की जा रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेइज्जती आपके पेरेंट्स की नहीं, बेइज्जती तो हमारे पेरेंट्स की हो रही है। हम कब से देख रहे हैं हर छोटी सी बात के लिए हमारे पापा को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। हम जानते हैं शादी के इंतजाम में अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। फिर ऐसा क्यों गौतम जी? बेचारे नाथ बाबू, बेटी के कंधे पे बंदूक रखकर चले थे हम इनसे चालाकी करने। देख, अब उसी बेटी की शक्ल से मुंह फेर रहा हमारा गौतम। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। ये लड़की हमारी आंखों में शुरू से ही कंकड़ी की तरह छुप रही थी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।